यदि कभी आपके पीछे पूरे मधुमक्खियों का झुंड पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ये एक ऐसे जीव है जिनसे शेर जैसे खूंखार और हाथी जैसे विशाल जानवर भी डरते हैं। यदि मधुमक्खियां ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही है, लेकिन यदि वो नीचे उड़ रही है तो इसका मतलब है कि उनको कोई खतरा महसूस हो रहा है और वो किसी पे भी अटैक कर सकती है। ऐसे में यदि आप वहाँ पर मौजूद है और मधुमक्खियों ने आपको देखा नहीं तो आप नीचे मुंह करके लेट जाए और बिल्कुल हिले ना, क्योंकि हिलते हुए चीजों से ही मधुमक्खियों को खतरा महसूस होता है। यदि मधुमक्खियों ने आपको देख लिया है तो आपके पास जो भी चीजें मौजूद है जैसे बैग, चप्पल, जूते, वो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फेंके ताकि आधे से ज्यादा मधुमक्खियां उसके पीछे चली जाए। यदि आपको अपने आसपास कहीं कीचड़ दिखाई दे रहा है तो अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगा ले, इसे मधुमक्खियां जल्दी काटती नहीं है। ऐसे समय में आप कोशिश कीजिए अंधेरी जगह पर जाने के लिए, क्योंकि मधुमक्खियां अंधेरी जगह पर नहीं जाती। यदि ये सब चीज वहां पर मौजूद नहीं तो आपको सीधे डायरेक्शन में बहुत ही तेज दौड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मधुमक्खियां अपने छत्ते को छोड़कर किसी का पीछा ज्यादा दूर तक नहीं करती।